एक कानून पास किया है कि कोई भी व्यक्ति बाजार से कोई पशु नहीं खरीद सकता। कैसा? जिसको हम काट दें। इसके लिए भारत सरकार का साधुवाद दीजिए। उन्होंने गौओं की रक्षा करने का, पशुओं की रक्षा, अरे जो बोल नहीं सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? ये इंसान इतना शैतान हो गया, जो बोल नहीं सकते उसे खा जाएंगे, उसे मार डालेंगे। गौ रक्षक चार व्यक्तियों को पकड़ के मार देते, पूरे दिन मीडिया में गौ के रक्षक गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, ऐसा आता है। लेकिन जो सरेआम गौ की हत्या कर देता उसको कोई नाम नहीं देते आप लोग? क्या ये भारत है? मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जागो, खड़े हो जाओ, आने वाली पीढ़ी के ऊपर छोड़ के मत जाओ। हम ही को करना पड़ेगा जो कुछ करना है। भारत सरकार के आगे वो एकदम जोर से आवाज उठानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा सिर्फ गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून बने, राम मंदिर 19 से पहले बने। ये हम सबकी आपके आगे आवाज उठाने की जरूरत हमें होनी पड़ रही है, आज करनी पड़ रही है। हम सबको चाहिए आवाज। कौन कौन चाहता है गौ हत्या पर फांसी की सजा होनी चाहिए? जोर से बोलेंगे एक बार, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? धन्यवाद आप सबका। और जिनको ये वीडियो मिला है या जो कथा सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक इस आवाज को पहुंचाएं, क्योंकि ये आवाज अकेले देवकी नंदन की नहीं, ये आवाज प्रत्येक भारतीय की है जो राम से प्यार करता है, जो सनातन से प्यार करता है, जो गौ माता से प्यार करता है, जो भारत की पवित्र धरती से प्यार करता है। ये आवाज उन सब की है। हमें गद्दी से प्यार नहीं, हमें धर्म से प्यार है, हमें सत्ता से प्यार नहीं है, हमें हमारे देश से प्यार है, हमारे गौ से प्यार है, हमारे राम से प्यार है, राम मंदिर बने इससे प्यार है। तो इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं और 19 से पहले राम मंदिर बने, ऐसी कोई योजना हम सब मिलकर बनाएं। राधे राधे।